पंजाब में मंत्रियों की इज्जत बच गई। मुख्य सचिव करण अवतार सिंह को हटा दिया गया है, उनकी जगह विन्नी महाजन को पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। यह उनके शानदार करियर में एक अहम मील पत्थर है, जो उनके द्वारा हासिल की गई बड़ी उपलब्धियों में से एक अहम उपलब्धि है। 1987 बैच की आईएएस अधिकारी विनी महाजन को इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किए जाने के बाद लगने लगा है कि पंजाब में अफसरशाही की सख्ती से ना सिर्फ नेताओं बल्कि आम लोगों को भी कुछ राहत जरूर मिलेगी। दूसरी ओर करण अवतार सिंह ने विशेष मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार का पद संभाल लिया। विन्नी महाजन राज्य में एकमात्र पंजाब कैडर की मौजूदा अधिकारी हैं, जिनको भारत सरकार में बतौर सचिव के तौर पर अम्पैनल किया गया। उन्होंने राज्य में अनिर्धारित कोविड संकट के दौरान बतौर चेयरपर्सन हेल्थ सेक्टर रिस्पांस एंड प्रोक्योरमेंट कमेटी के तौर पर अहम भूमिका निभाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के महिला श्रीराम कॉलेज से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता से पोस्ट ग्रेजुएशन पास करने के लिए उन्होंने रोल ऑफ ऑनर और नामवर एल्यूमनस अवार्ड हासिल किया। गौरतलब है कि उन्होंने इस विभाग के उच्च पद पर रहते हुए साल 2019 में डावोस में हुए विश्व आर्थिक फोरम में पंजाब की पहली बार संलिप्तता कराई। इसके अलावा दिसंबर 2019 में एमएसएमईज पर केंद्रित शानदार उच्च स्तरीय निवेश सम्मेलन करवाया। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव आवास निर्माण एवं शहरी विकास के तौर पर मोहाली हवाई अड्डे के नज़दीक 5000 एकड़ में नई टाउनशिप की शुरुआत की। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व के तौर पर पंजाब को नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू करने के लिए देश का पहला राज्य बनाया। विन्नी महाजन ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 2005 से 2012 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में सेवाएं निभाते हुए वित्त, उद्योग एवं वाणिज्य, टेलीकॉम, सूचना प्रौद्योगिकी आदि मामलों को निपुणता के साथ पूरा किया। वैश्विक मंदी के समय वह भारत की घरेलू प्रतिक्रिया संबंधी केंद्र सरकार की मुख्य टीम का हिस्सा रही और G20 सम्मेलन में भी सम्मेलन किया। विन्नी महाजन ने पंजाब में विभिन्न पदों पर सेवाएं निभाई। 1995 में जब उन्होंने रोपड़ के डिप्टी कमिश्नर के तौर पर पद संभाला तो वह पंजाब के डिप्टी कमिश्नर के तौर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी।